नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जो है वो पहला टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन जो हालत टीम इंडिया की हमको देखने को मिली उसके बाद एक बयान ऐसा आया है जो ये बता रहा है कि शायद टीम इंडिया के खिलाड़ी जो हैं उनको ब्रेक की ज़रूरत है और वो जो हैं वो थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा है। बाकायदा उन्होंने बीसीसीआई से कहा है कि भाई ब्रेक दे दो, लगातार लड़के खेल रहे हैं, आईपीएल खेले, उसके बाद तुरंत ऑस्ट्रेलिया चले गए, उसके बाद बस थोड़ा सा इंतज़ार करके यहाँ पे आ गए, इसके बाद उनको तुरंत फिर आईपीएल खेलना है, उसके बाद भी बैक टू बैक सीरीज है, थोड़ा ब्रेक दे दो यार, दो हफ्ते का कम से कम ब्रेक दे दो। क्या कहा है उन्होंने? दरअसल रवि शास्त्री ने कहा है कि वायु बबल में रहना मानसिक रूप से काफ़ी थकाऊ है और भारतीय खिलाड़ियों ने सितंबर में यूएई में आईपीएल 2020 के बाद से ब्रेक नहीं लिया है। आईपीएल के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चली गई, उसमें उसने 4 टेस्ट मैच खेले, 3 वनडे मैच खेले, 3 T20 मुकाबले खेले, अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अंतिम स्थान दांव पर लगा है और भारतीय टीम इस समय द्विपक्षीय सीरीज के लिए इंग्लैंड की मेजबानी कर रही है। तो शास्त्री ने कहा कि मेरा मानना है कि आपको कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की जरूरत होती है। इंग्लैंड सीरीज के बाद खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे, फिर आईपीएल के बाद 2 हफ्ते का आराम निहायत ही जरूरी है। यानी कि आईपीएल के बाद 2 हफ्ते चाहते हैं रवि शास्त्री, लेकिन आप भूल गए कि आईपीएल लगभग जून में खत्म होगा और फिर उसी जून में अगर टीम इंडिया क्वालिफाई कर जाती है डब्ल्यूटीसी के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, फाइनल्स के लिए, तो उसको फिर जाके फाइनल भी खेलना होगा इंग्लैंड के लॉर्ड्स में, और ज्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अब कह रहे हैं शास्त्री साहब, तो हो सकता है बीसीसीआई कुछ सोचे इस बारे में। साथ ही शास्त्री ने कहा कि क्योंकि ये पृथकवास जो कोई क्वारंटीन जो है, ये बायो बबल मानसिक रूप से बड़ा थकाने वाला है, आखिरकार आप इंसान ही तो हो, थक जाते हो। जहां तक इस टीम का संबंध है तो इस टीम को अपने प्रदर्शन पर गर्व है, हम एक बार फिर एक कदम ही आगे बढ़ाएंगे और इस हर सीरीज महत्वपूर्ण है, ये सीरीज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर प्रारूप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई भले ही थके हों लेकिन लड़के खेलेंगे, जी जान से खेलेंगे, लेकिन जब आईपीएल खत्म हो तो कम से कम उसके बाद 2 हफ्ते का ब्रेक दे दीजिएगा। अब देखते हैं बीसीसीआई इस पूरे मुद्दे पर क्या फैसला लेती है, जो भी फैसला लेगी बताएंगे आपको। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।